ज्वाला के अगर बात के फाउंडेशन की ओर से एक राइड का आयोजन किया था, किस तरीके से इस राइड में आपने पार्टिसिपेट किया है, ओवरऑल कितने किलोमीटर का ये राइड था? हम लोग करीब 100 से ऊपर राइडर्स थे और सबने साइकिलिंग राइड किया आज हम लोगों ने, और ये करीब 25 किलोमीटर की राइड थी जो कि हमारे लिए अप्रॉक्सीमेटली 30-35 किलोमीटर हो जाएगी बिकॉज घर से आना और वापस जाना। और जो हमने सुबह किया है आज मेल और फीमेल सभी थे, और जो हमने शपथ ली है, शपथ ये ली है कि हम अपनी रक्षा करेंगे और मेल्स ने हमें सपोर्ट करने के लिए मैं रक्षक वाली शपथ भी ली है, जो वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ज्वाला की तरफ से, जो आज हम आगे बढ़ रहे हैं हर साल और लोग जुड़ते जा रहे हैं, और शायद इसी से पॉजिटिविटी जो हमारे समाज में बढ़ेगी, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। मैम आपका नाम बता दीजिए। मैं राखी बंबानी। दिशा राइड वॉज इनिशिएटेड बाय इंदौर बेस्ड एनजीओ ज्वाला। ज्वाला एनजीओ फाउंडेड बाय डॉक्टर दिव्या गुप्ता। साइक्लोफ्रिक्स सपोर्टेड ज्वाला एनजीओ राइड। दिस राइड इज टू मेक अवेयर पीपल अबाउट द वुमन सेफ्टी एंड सेल्फ डिफेंस। साइक्लोफ्रिक्स विद ज्वाला एनजीओ वॉज टेकन अ नोबल इनिशिएटिव बाय ऑर्गेनाइजिंग अ साइक्लिंग रैली इन इंदौर ऑन 15th December 2019। साइक्लोफ्रिक्स आल्सो ऑर्गेनाइजेस मेनी साइकिलिंग राइड्स फॉर सोशल कॉज। दिशा राइड का आयोजन किया था, किस तरीके की ये राइड रही है, इंदौर के कितने साइकिलिस्ट इस राइड में शामिल हुए, इसका उद्देश्य क्या रहा? आज 15 दिसंबर की सुबह 16 दिसंबर को निर्भया दिवस होने के उपलक्ष्य तो नहीं कहना चाहिए के कारण हम सब सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए 15 दिसंबर की सुबह सब एकत्रित हुए हैं। ये सब महिला साइकिल राइडर्स हैं और पुरुषों ने भी ज्वाइन करा है। 100 से ज़्यादा राइडर्स हैं जिन्होंने महिला सुरक्षा के लिए आज शपथ ली है मैं रक्षक होने की, और आज का दिन से एक नई शुरुआत होगी नए भारत की, सुरक्षित भारत की, सेफ भारत की, ऐसा हम करेंगे। दिशा राइड की यदि बात की जाए तो ना केवल इंदौर में बल्कि जितने भी मेट्रो सिटीज़ हैं या फिर ऑल ओवर इंडिया की बात करें, यहाँ पर भी आयोजन हुआ है। किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस को लेकर भी और दिशा राइड से जुड़ने के लिए भी और निर्भया को एक सपोर्ट करने के लिए भी ये राइड का आयोजन किया था मैम? दिशा राइड पिछले वर्ष भी आयोजित हुई थी, तब 23 शहरों में, भारत के 23 शहरों में थी। इस बार संख्या 50 तक पहुंच गई है, तो समस्त भारत के 50 शहरों में एक साथ एक ही समय सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में सब लोग अपने अपने शहरों में बिना किसी तामझाम के, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई माइक नहीं, कोई मुख्य अतिथि नहीं है, सिर्फ उद्देश्य महिला सुरक्षा है। तो एक विषय को लेकर जब कोई लोग इकट्ठा होते हैं तो समाज में परिवर्तन होना तय। मैम आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता, संस्थापक अध्यक्ष ज्वाला। दोनों के ज्वाइंट एफर्ट से ही अच्छे भारत का निर्माण हो सकता है, तो हमारी यही कोशिश है कि दोनों मिलकर ही इस एफर्ट को सक्सेसफुल बनाएं। आज तकरीबन अगर बात करें वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, बड़ी संख्या में यहाँ पे यूथों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, सबने साइकिलिंग में पार्टिसिपेट किया है। स्वास्थ्य के प्रति जरूर अवेयरनेस होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। स्वास्थ्य के प्रति तो अवेयरनेस होना ही चाहिए, पर साथ में जिस काम के लिए आज किया गया है वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों के खराब होने से सारा जो मैन है वो खराब नहीं है, क्योंकि उनके साथ रहने से भी हम अच्छे हो सकते हैं और उनका साथ रहने से सेफ्टी भी है। ऐसा जो आज सबने राइड साथ में की तो सेफ भी फील करती है फीमेल्स, ऐसा नहीं है। आपका नाम बता दीजिए प्लीज। मैं रश्मि सालेजा। बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर में मेरा मोर देन 150 राइडर्स इन राइड। और जब इंडिया गेट विल हैव 500 राइडर्स टुडे इन द मॉर्निंग। प्रॉब्ली वी मेक एन एंटायर वीडियो, लास्ट ईयर का दूसरा वीडियो आई विल रिलीज इट।
आपके साथ शेयर कर दूंगी और इस साल के जब तैयार हो जाएगा तो मिल जाएगी। सो आई थिंक मोर एंड मोर मोमेंटम इज गेनिंग ऑल ओवर द कंट्री, मोर देन 5,000 राइडर्स विल बी जॉइनिंग द राइड टुडे। सो दिस इज सुपर मेजर इवेंट, वी कवर्ड इट इन दी।